हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी प्रोड्यूसर। मेरा नाम विपुल है और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लेके आया हूँ एसएससी सीजीएल 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2020 में, उसके मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने लिए हैं 9 मार्च 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वांटिटेटिव्स के पूरे 25 क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने पहले भी किया है। मैंने पहले एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो एग्जाम मार्च 2020 में हुआ था उसके मैं 19th मार्च के क्वेश्चंस को मैंने यहां पे लिया था। 19th मार्च के फर्स्ट के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था, वहां भी मैंने क्वांटिटेटिव्स के पूरे 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। और 18th मार्च को जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसके मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया था क्वांटिटेटिव्स के पूरे 25 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने ये दो वीडियो जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इन दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे, तो देखना ना भूले अगर नहीं देखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 9th मार्च सेकेंड शिफ्ट के क्वांटिटेटिव्स के पूरे 25 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत ही अच्छे कंटेंट्स आगे भी मिलने वाले हैं एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल क्वांटिटेटिव्स के बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इफ ए इक्वल टू 2b एंड इक्वल टू 8c एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 13, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी सी का जो कुछ वैल्यू है इक्वेशन बना के यहाँ पे दिया गया है और हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 13 है। ठीक है, और हमें यह करना है, हमें इस दिए गए जो भी यहाँ पे दिया गया ये एक्सप्रेशन है इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर देखें कैसे दिया गया है, ए बी सी तीनों का रिलेशन दिया गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी के रेशियो को अगर फाइंड आउट कर लें तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, यहाँ पे तीनों का सम दिया गया है। तो कैसे करेंगे, अगर इन दोनों को लेके आ जाएगा a बाई बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अगर इन दोनों को ले, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा, b बाई सी इक्वल टू 8/2। कैंसिल कर लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1। इस तरह से अगर लिखे यहां पे हम लोग a इज टू b इज टू c, तो अगर इन दोनों से देखें पहले वाले से तो क्या आएगा रेशियो, 2/1 है, तो a की जगह पे 2 और b की जगह पे 1। और अगर इन दोनों से देखें b का वैल्यू क्या है, b का है 4 और c कितना है, c का है 1। लेकिन यहां पे क्या, पहले वाले से क्या आ रहा है, b का वैल्यू 1 आ रहा है और दूसरे वाले से b का वैल्यू 4 आ रहा है। क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब क्या मिलेगा, 4 2 8, 4 1 4 एंड c का तो 1 है, तो हमें क्या रेशियो मिला, फाइनल रेशियो मिला a इज टू b इज टू c का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 8:4:1, 8:4:1 का रेशियो मिला हमें a b c का, ये a ये b और ये c रेशियो मिल गया। अब क्या करेंगे हम, इधर हमारे पास रेशियो दिया गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल 13, अगर इसे हम लोग ऐड करें a 8 + 4 = 113, तो 13 का वैल्यू 13 है, यानी कि 1 का वैल्यू क्या हो गया, 1 का वैल्यू 13 हो गया, 1 का वैल्यू 1 हो गया, तो यानी कि a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू 8 × 1 = 8, b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4 × 1 = 4, c का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 × 1 = 1। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने कैसे निकाला, पहले हम लोगों ने यहाँ पे दिए गए इसे रेशियो में कन्वर्ट किया, रेशियो को यहाँ पे b दोनों में डिफरेंट था तो हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों के b को इक्वल किया, तो हमें फाइनल से क्या मिला, 8:4:1 मिला। और यहाँ पे क्या दिया गया है, तीनों का सम दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी 13 दिया गया है, तीनों का सम करेंगे 8 + 4 = 13 आएगा, 13 का वैल्यू अगर 13 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 × 1 = 8, b का वैल्यू 4 × 1 = 4 एंड c का वैल्यू 1 × 1 = 1। अब हमें इसके वैल्यू को निकालना है, यहाँ पे जो दिया गया है इसे हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, a के जगह पे a के वैल्यू पुट कर देंगे, b के जगह b और c के जगह c के वैल्यू को, आइए करते हैं। a का वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर करना है, ये 8 का स्क्वायर हो गया, b ये 4 का स्क्वायर और c क्या है 1 का स्क्वायर, और इस पे रूट लगा हुआ, रूट लगा देंगे, और 2c है 2 × 1,
8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 81, 81 रूट किसका होता है, 81 होता है 9 का, 81 का रूट क्या होता है 9 होता है, ये आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5, सॉरी ऑप्शन जो है वो फ्रैक्शन में ही दिया गया है, 9/2 ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा सॉल्व मैंने कैसे किया इसे। हम लोगों ने पहले ए बी सी के रेशियो को निकाला और जो रिलेशन दिया गया था ए प्लस बी प्लस सी का 13 दिया गया, उसे कंपेयर करके हम लोगों ने ए बी सी तीनों के वैल्यू को निकाल करके जिसका वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का, तो हम लोगों ने क्या किया इसमें ए बी सी की वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया और हमें आंसर क्या मिल गया 9/2, दैट्स योर आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए मैन वॉन्टेड टू सेल, ए मैन वॉन्टेड टू सेल हिज बैट एट डिस्काउंट ऑफ 8%। एक मैन है जो कि अपने बैट को सेल करना चाहता है 8% के डिस्काउंट पे, ठीक है। हिज ब्रदर हु वॉज ए क्रिकेटर वॉन्टेड टू बाय द बैट, उसका भाई क्या है क्रिकेटर है जो कि बैट चाहता है परचेज करना चाहता है। सो द मैन सेल्स इट एट ए 10% डिस्काउंट, तो भाई था तो थोड़ा डिस्काउंट और दे दिया, पहले दिया था 8%, अब कितना कर दिया, अब देगा वो 10% डिस्काउंट अपने भाई को। इन दिस डील द मैन रिड्यूस 70 रुपी इन प्रॉफिट, तो ऐसा करने से क्या हुआ उसे 70 रुपए का प्रॉफिट में घाटा हो गया, प्रॉफिट तो ले रहा लेकिन 70 रुपए उससे जो प्रॉफिट मिलते थे उससे कम मिल रहे हैं। व्हाट वाज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बैट, मार्केट वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या था, डिस्काउंट जो था वो पहले क्या था, पहले था 8% देता था लेकिन अब कितना दे रहा है, अब दे रहा है ये 10% का डिस्काउंट। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से 70 रुपए का इसे प्रॉफिट में कमी देखने को मिलता है। तो ये कमी जो आया है प्रॉफिट में क्यों आया है, डिस्काउंट ज्यादा दे दिया इसलिए आया है, डिस्काउंट ज्यादा दे देंगे ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा। तो डिस्काउंट कितना कितना ज्यादा दिया गया है, ये दिया गया है 2%, 10 में से 8 माइनस करें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 10 माइनस 8% क्या आ जाएगा 2%, यानी कि 2% का जो वैल्यू है वो क्या है, वो 70 रुपए है, यानी कि 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 रुपए हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 1% इक्वल टू 35 रुपीज, क्या निकालना है मार्केट वैल्यू निकालना, यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपीज 3500, 35 को 100 से गुना कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा 3500, ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 3। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू हो जाएगा 3500, क्लियर। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसानी सॉल्व कर पाएंगे, ओरली कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 10% का डिस्काउंट था, 8% पहले था, डिफरेंस कितना आया 2%, 2% वैल्यू कितनी है 70 है, 1% कितनी हो गई 35, निकालना क्या है मार्केट वैल्यू, यानी कि निकालना हमें 100% की वैल्यू, 3500, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। आपको इससे इस क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत से बहुत 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे, उससे भी कम से आप कर सकते हैं सॉल्व को, ओके। और अगर हाँ यहाँ पे पूछा जाए इसका सीपी कितना रहा होगा, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग क्या करें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, अगर आप सॉल्व कर पाते हैं सीपी इसका फाइंड कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्या दिया गया, ए शॉपकीपर बाय 2 books फॉर ₹300। एक शॉपकीपर है जो कि 300 रुपया में 2 book खरीदता है। ही सेल द फर्स्ट बुक एट ए प्रॉफिट 20%, पहले बुक को ये बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, एंड सेकेंड बुक एट ए लॉस ऑफ 10%, सेकेंड बुक को 10% लॉस पे बेचता है। व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक, तो फर्स्ट बुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, इफ इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, ना तो प्रॉफिट हुआ है ना तो लॉस हुआ है, इसका मतलब हुआ जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस के बराबर रहा होगा। इफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तभी तो बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि हमें यह करना होगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर करना होगा,
ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया, कॉस्ट प्राइस क्या था दोनों बुक का। हम लोग यहाँ पे दोनों बुक की बात करेंगे, दोनों बुक यानी क्या, यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ये दोनों बुक का हो रहा है, दोनों बुक की बात करेंगे। तो अगर देखें यहाँ से एसपी निकालने की कोशिश करें तो लेट कर लेते हैं कि 300 रुपये था, 300 रुपये दोनों बुक का प्राइस था, सीपी जो था, अभी सीपी की बात कर रहे हैं हम लोग, सीपी क्या था 300 रुपये था दोनों बुक का। लेट कर लेते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट बुक रहा होगा उसका कॉस्ट रहा होगा 100 रुपया फर्स्ट बुक का, और सेकेंड बुक का रहा होगा कितना हो जाएगा 300 माइनस 100 रुपया हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट बुक, ये हो गया सेकेंड बुक, इसमें कोई प्रॉब्लम है। 300 रुपये कॉस्ट प्राइस था, हम लोगों ने बांट लिया, पहले को लेट कर लिया एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा 300 माइनस एक्स, ये तो सीपीए का बात हो गया। अगर अब इसका एसपी निकालें, अगर इसका एसपी निकालें क्या हो जाएगा, पहले पे से मिला है 20% प्रॉफिट, यानी कि एक्स का 6/5, 20% क्या होता है 120/100 यानी कि 6/5 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मिलेगा। सेकेंड बुक का निकाले अगर एसपी, इससे क्या हुआ 10% का लॉस हुआ है, यानी कि 300 माइनस एक्स 9/10। और अगर दोनों के एसपी को हम लोग सम कर दें ये क्या मिल जाएगा, टोटल एसपी मिल जाएगा, और किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए सीपी के बराबर, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, सीपी क्या था सीपी इसका 300 रुपये है, इक्वेट कर दिए। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 5, इसे का डिटरमिनेंट लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 2 से करेंगे इधर, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। इस दोनों 10 को हम कहाँ भेज रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, इतना कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 12x-9x, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x, और ये क्या है प्लस 93 है 27, 2700 इक्वल टू 3000। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू ये इधर जाएगा, बचेगा हमारे पास 300, 300 को इस 3 से डिवाइड करेंगे ये क्या मिलेगा 100, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 100 आ गया। और पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया था व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक, ये एक्स क्या आया है, एक्स क्या था, एक्स था कॉस्ट प्राइस था। आप लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं, हालांकि ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया है इसमें, लेकिन अगर ऑप्शन 100 रहेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे एक्स को जो पूछा गया है ऑप्शन 100 मार्क कर देंगे, लेकिन 100 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, हमें निकालना है फर्स्ट बुक का सेलिंग प्राइस। फर्स्ट बुक का सेलिंग प्राइस क्या था, एक्स इंटू 6/5, एक्स कितना है 100 है, इसका 6/5 ये हो जाएगा 20, 6 × 12 यानी कि 120 रुपये, क्या आ जाएगा 120 रुपये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको यहाँ बस एक ही ध्यान रखना था, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। और एक और चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या थी कि आपसे पूछा गया था, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक, तो आप लोग इसके जगह पे कॉस्ट प्राइस मत निकाल देना, यानी कि एक्स की वैल्यू को निकाल के मत छोड़ देना, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, इफ एक्स वाई जेड आर 3 नंबर, 3 नंबर एक्स वाई जेड किस तरह से है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया गया है, वाई प्लस जेड का वैल्यू है और जेड प्लस एक्स का वैल्यू है, और फिर हमें इसके वैल्यू को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, अगर एक चीज में क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई जेड या जेड एक्स है, यानी कि तीनों को अगर सम कर दें, अगर इन तीनों को हम लोग सम कर दें, एडिंग ऑल दीज, अगर तीनों का सम कर क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 2x, 2y और 2z मिलेगा, 2 कॉमन निकाल लें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, 13, 28, 28 और 16 कितना हो जाएगा 44, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44, इसमें कोई दिक्कत है। हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, इससे इससे और इससे तीनों को ऐड किया, एक्स प्लस एक्स 2x, 2x, वाई प्लस वाई 2y, जेड प्लस जेड 2z, 2 कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया 15, 3, 18, 28,
634, 1044 आंसर आ गया हमारा, इसका वैल्यू आ गया, सॉरी आंसर नहीं, इसका वैल्यू आ गया, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं सब लोग, यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है हमें इसके वैल्यू को निकालना है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड बाई एक्स वाई जेड। अब इसे सॉल्व करें, क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर इसमें से एक्स कॉमन निकालें, क्या बचेगा यहाँ पे, वाई प्लस जेड बचेगा। इधर क्या है, इधर है एक्स वाई जेड, इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, वाई प्लस जेड बाई वाई जेड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या करेंगे यहां से हम लोग, वाई प्लस जेड के वैल्यू को अगर यहां से देखें, यहां से सबसे पहले करते हैं हम लोग एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू को निकाल लेते हैं। एक्स प्लस वाई कितना दिया गया, 13 दिया गया है। अगर इसमें हम लोग एक्स प्लस वाई के जगह पे 13 लिख दें तो जेड का वैल्यू मिल जाएगा हमें, कितना आ जाएगा जेड का वैल्यू, जेड आ जाएगा 729, जेड का वैल्यू मिल गया। अगर इस इक्वेशन में हम लोग वाई प्लस जेड के वैल्यू को पुट कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 15 इक्वल 22, तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, और इसी इक्वेशन में हम लोग, इस इक्वेशन में हम लोग अगर एक्स प्लस जेड के वैल्यू को डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा वाई प्लस 16 इक्वल 22, यानी कि वाई का वैल्यू मिल जाएगा हमें कितना, ये मिल जाएगा 6। इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, जेड का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू कितना आया था, 6 आया था, जेड का क्या आया था, 9 आया था, नीचे क्या हो जाएगा, 6 × 9, 9 + 6 कितना होता है, ये 15 होता है, और 6 × 9 ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 3 से हो जाएगा ये 5 times, 3 से हो जाएगा ये 2 times, 9 × 2 = 18 आ जाएगा, और ये 5, यानी कि 5/18। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें, यस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 5/18। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को पहले ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मिल गया, फिर वहां से हम लोगों ने बारी बारी से इस इक्वेशन को इसमें पुट किया, फिर इस इक्वेशन को इसमें पुट किया, और फिर इसे इसमें पुट किया गया, तो हमें क्या मिल गया, एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यू यहाँ पे मिल गए, और फिर तीनों को जब मिल गया हमें, तो हम लोगों ने क्या किया, तीनों के वैल्यू को इस में पुट कर दिया जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, और हमें मिल गया वैल्यू 5/18। क्लियर, क्वेश्चन था आसान, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 5 cot θ = 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे अगर देखे cot का वैल्यू क्या हो जाएगा, cot θ = हो जाएगा 3/5, तो tan क्या हो जाएगा, tan θ = हो जाएगा 5/3। एनी डाउट इसमें, cot का जो रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल जो होता है, उसे हम लोग tan बोलते हैं, नॉट रिवर्स, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल दिया 5/3 tan आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से tan की वैल्यू को निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, जब लास्ट सेशन में मैंने सॉल्व किया था SSC CHSL के क्वेश्चंस को, वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे इसमें tan बनाने की। अगर हम लोग पूरे के पूरे इक्वेशन को, यहाँ जो भी दिया गया है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को अगर डिवाइड कर दें, दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दे किससे, cos θ से, कोई दिक्कत होगी नहीं, होनी चाहिए, करते हैं डिवाइड, ये क्या हो जाएगा, 6 sin/cos क्या होता है, tan θ, -3 cos/cos कैंसल, 7 sin/cos tan θ, +3 cos/cos कैंसल, यानी कि ये हमें आ गया, tan का वैल्यू पता है हमें पहले से, पुट कर देंगे 6 × 5/3 - 3, 7 × 5/3 + 3, 3 से ये कैंसिल होगा, 2 times, 5 × 2 = 10, 10 - 3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा, 35 है, ये 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 35 और 9 कितना होता है, ये होता है 44, ये आ जाएगा 44/3, 3 आएगा ऊपर, यानी कि 7 × 3 = 21/44,
21/44, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे कॉट के वैल्यू को टैन में कन्वर्ट करें, लेकिन ऐसा जनरली होता है क्या सभी के साथ कि साइन कॉस टर्म ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कॉसेक सेक एंड कॉट में उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो क्यों ना हम लोग यहीं पे इसे कन्वर्ट कर लें। अगर नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे किससे, साइन से डिवाइड कर देंगे, ये साइन जीरो हो जाएगा, इधर हमें कॉट मिल जाएगा, तो वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। हम लोग कॉट से भी डिवाइड कर दे, अगर कॉट ही रह देते हैं यहाँ पे कॉस साइन से डिवाइड कर देंगे, ये जो है ये वन हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के ये वन हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें कॉट का वैल्यू, पुट कर देंगे वैल्यू को, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए एंड बी आर इन रेशियो, ये दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम दिया गया है स्फीयर का, मेन सिचुएशन में क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनमें सम ऑफ द रेडियाई ऑफ ए एंड बी इज 36, ये भी दिया गया है। ठीक है, देन द सरफेस एरिया ऑफ ए, ये का हमें निकालना है। तो वॉल्यूम अगर देखे, वॉल्यूम ए का और वॉल्यूम बी का ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 125/64। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 πr³, क्या होता है 4/3 πr³। तो r लिखते हैं पहले, ये a का हो गया और 4/3 π ये r b का हो गया क्यूब, इक्वल टू 125/64। यहाँ से क्या होगा, 4/3 ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और इधर क्यूब है तो क्यूब को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आर क्यूब रूट में, 125/64। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी का रेशियो मिल जाएगा, 125 क्या हो जाएगा, 5/64 का 4, यानी कि मिल गया हमें 5:4 का रेशियो, दोनों के रेडियस का रेशियो हमें मिल गया। आप देखिए, मैं यहाँ पे हर एक स्टेप को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को हो सकते हैं, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स बिगनर्स हो, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी को सब समझ में आना चाहिए। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, आपको पता है यहाँ पे रेशियो लेना है, तो ऑब्वियस है कि 4/3 π जो है ये कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, आर का रेशियो मिलेगा, रेडियस का रेशियो मिलेगा, वो भी क्यूब में आएगा, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, साफ साफ दिख रहा है ये 5 का होता है और ये 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे, रेशियो मिल गया हमें। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, इन दोनों का सम दिया गया है, रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी का सम। तो अगर लेट कर ले हम लोग इसे, ए लेट कर ले तो क्या हो जाएगा, 5a + 4a = 36, यानी कि 5, 4, 9a, ए का वैल्यू क्या आ गया, 9, 4, 36, ए का वैल्यू हमें किया गया, यानी कि रेडियस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5/20, रेडियस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनका जो है नहीं वैसे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना आया था, 4 आया था, 16 आ जाएगा। हमें निकालना क्या, हमें निकालना सरफेस एरिया ऑफ ए। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4πr², 4π की जगह पे, तो पाई लिखा हुआ ऑप्शन में दिख रहा है, पाई लिखा है, तो पाई के वैल्यू को हम लोग इधर पुट नहीं करेंगे, पाई आर क्या है, आर है ए का है 20, 20 कितना होता है, ये होता है 400, 4 × 4 = 1600 πइज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो जिस चीज की जरूरत हो वही निकालेंगे हम लोग, बाकी चीज निकालने की जरूरत नहीं, हाँ प्रैक्टिस के निकाल सकते, लेकिन एग्जाम में बिना मतलब की कल्पना नहीं करना, रेडियस बी निकालने का मतलब बनता नहीं है, नहीं निकालेंगे, एक का निकाल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, 600 πr, और पाई का वैल्यू हमारे ऑप्शन में दिया गया, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं किया, पाई को पाई ही रहने दिया गया। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए विल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1100 cm इन 1 राउंड, डायमीटर ऑफ द विल इज, डायमीटर का, विल का डायमीटर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ये विल जो है ये एक राउंड में, 1 राउंड में क्या करता है, 1100 cm डिस्टेंस कवर करता है। लेट्स से अगर ये विल रहा होगा, लेट्स से ये अगर एक विल रहा होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या है,
सरफेस है, रोड है, कुछ भी है जहाँ पे ये व्हील चलेगा, ये इसका सेंटर रहा होगा। अभी ये पॉइंट इस जगह पे है, और ये क्या होगा, वन राउंड में क्या होगा, ये घूम करके फिर यहाँ आ जाएगा। ये क्या होगा, ये ऐसे घूमना शुरू करेगा, है ना, यहाँ से घूमना शुरू करेगा, और ये घूमते 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 फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये कहलाएगा वन राउंड। और इतने में ये क्या होगा, इस पोजीशन से कुछ आगे बढ़ जाएगा। ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस जगह पे ऐसे होकर के आ जाएगा, है ना। तो इस जगह से इस जगह जाने में इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जो इसका सरकमफेरेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर करेगा, ये जो इसका सरकमफेरेंस होगा यानी कि 2 पाई आर। इतना क्लियर हुआ, 2 पाई आर डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस कितना दिया गया, ये दिया गया है 1100, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1100। 2 पाई की वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर क्या होता है, आर तो आर ही है पता नहीं हमें, 1100। यहाँ से क्या कर सकते, कैंसिल कर सकते हम लोग, 11 2 जा 11 100 100, 2 2 जा 4 425 जा। आर का वैल्यू क्या मिलेगा, 25 × 7 यानी कि 175, क्या मिलेगा, 175। पूछा गया है डायमीटर, क्या करें हम लोग, डायमीटर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 100 200 75 50, यानी कि ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। लेकिन आपको पता ही है एसएससी के एग्जाम में सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं, तो ये जो क्वेश्चन था आंसर की में दिया गया था उसमें ये पहले 1 से लेके 4 तक ऑप्शंस थे आपके पास, 125 150 100 एंड 175। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन है आंसर की का, कोई यहाँ पे कोई मैंने अपने मन से कुछ बनाया नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, वहां पे आपके पास यही 4 ऑप्शन थे। इस 4 ऑप्शन में से आपका यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे डायमीटर की जगह रेडियस होता तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता, लेकिन पूछा गया है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो ऑप्शन नंबर 5 होगा। ये ऑप्शन मैंने अपने मन से यहाँ पे ऐड किए हैं, ये ऑप्शन मैंने अपने मन से यहाँ पे ऐड किए हैं, ये आपके आंसर की में नहीं था, एसएससी के क्वेश्चंस में नहीं था, एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं था। आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन गलत था, या फिर इसका ऑप्शन गलत था, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी थी। तो इसका आंसर क्या हो, राइट आंसर, हमें यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं इससे मतलब है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 350 सेंटीमीटर। डायमीटर निकालना होगा तो बिल्कुल ये हो जाएगा, सॉरी रेडियस निकालना होगा तो बिल्कुल ये हो जाएगा, 175 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन ए सर्कल कॉर्ड पी क्यू एंड टी एस आर प्रोड्यूस्ड, सर्कल की बात हो रही है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। पी क्यू एंड टी एस आर प्रोड्यूस टू मीट एट आर, आर पे मीट करेगा, वेयर आर क्यू इक्वल टू 14.4। पी क्यू ये ऐसे दिया गया है, जब तक फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा, तो ड्रॉ करते हैं फटाफट से एक सर्कल। तो ये रहा हमारे पास सर्कल, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझने की चीज़ है, समझते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, कॉर्ड पी क्यू और टी एस तो ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि मीट करता है आर पे, प्रोड्यूस करते हैं तो मीट करेगा आर पे, कर देते हैं हम लोग, पहले ही मीट करवा देते हैं इसका। ये रहा हमारा एक कॉर्ड और ये रहा दूसरा कॉर्ड, इसका नाम करते हैं हम लोग पी क्यू, इसका नाम करते हैं टी एस, और ये मिल रहा कहाँ पे, आर पे मिल रहा, ठीक है, फिगर बन गया। आर क्यू दिया गया है, वेर आर क्यू, ये रहा आर क्यू, ये है 14.4। पी क्यू दिया गया है, वेर इज पी क्यू, पी क्यू ये रहा, ये है 11.2। एस आर दिया गया कितना, 12.8। फाइंड द लेंथ ऑफ टी एस, तो हमें इसका लेंथ निकालना है, इसे मान लेते हैं हम लोग सिंपल एक्स, ठीक है। तो आपको अगर आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा टेंजेंट के रिलेशन, सॉरी कॉर्ड के रिलेशन के बारे में, टेंजेंट के बारे में, सर्कल के बारे में, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि पी आर इंटू क्यू आर इक्वल टू टी आर इंटू एस आर, ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11.2 + 14.4, 14 × 15 15, 25.6, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25.6। क्यू आर का वैल्यू क्या है, वेर इज क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू है 14.4, कोई दिक्कत नहीं है। टी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12.8,
12.8 प्लस एक्स, और एसआर का वैल्यू क्या हो जाएगा 12.8। हमें इसे सॉल्व करना होगा और एक्स के वैल्यू को निकालना होगा। करते हैं सॉल्व। यहाँ पे 12.8 है, यहाँ 14.4 है, 16 से कैंसिल कर सकते हैं। 16.8 जा होता है 128 और 16.9 जा होता है 144। पॉइंट से पॉइंट चला गया, 9.8 इधर बच गया। इसे हम लोग 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 24 8 16 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18, 8 27 128, 28 पॉइंट इधर क्या है 12.8 प्लस एक्स है। एक्स के वैल्यू को निकालेंगे क्या मिलेगा, 8 से 8 चला जाएगा और ये आ जाएगा 16। एक्स का वैल्यू क्या मिला हमें, 16 मिला, और 16 हमारे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। हमें निकाला था टीएस के वैल्यू को, और टीएस का वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन जो है ये आपको याद रहेगा तो आप आसानी से, कुछ भी पूछा जाएगा इसमें आप किस तरह से वैल्यू में कोई चेंजिंग की जाएगी आप उसे समझ करके निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th में बढ़ते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर से किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 0 है, और हमें इसके वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। अगर देखें ध्यान से, यहाँ पे इधर स्क्वायर था और इधर जो वैल्यू निकाला ऐसे पावर 6 है, और इधर कुछ 3a² b² c² दिया गया है। तो पावर 6 कब बनेगा, पावर 6 तब बनता है जो हम लोग स्क्वायर है तो उसका क्यूब कर दें। अगर स्क्वायर दिया गया है यहाँ पे a² b² c², अगर इसका क्यूब कर देंगे तो हमें यह क्या मिल जाएगा, पावर 6 मिलेगा। इतना क्लियर है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को लिखें, कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, हमें क्या करना है, इसे पावर 6 में लाना है। क्या कर दें, अगर कर दें इसे क्यूब बोथ साइड, क्यूबिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को क्यूब कर दें, क्या मिलेगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। क्यूब करने पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू डी पावर 6 प्लस बी टू डी पावर 6 प्लस 3 a² b² a² + b² अगर आपको फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी होल क्यूब का, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab + a + b, ये फॉर्मूला होता है। ओके, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c का पावर 6 हो जाएगा। इतना है, क्लियर है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस फॉर्मूला पे सिर्फ ब्रेक किया है। आगे करते हैं, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, a टू द पावर 6 है, b टू द पावर 6 है और माइनस c टू द पावर 6 है। अगर हम लोग इस c को इधर ले आए, माइनस बन जाएगा, कैसा हो जाएगा ये, a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 माइनस c टू द पावर 6 इक्वल टू, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 a² b² a² + b² हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, हमें यह करना इसके वैल्यू को निकालना है। क्या करना है, हमें इसके वैल्यू को निकालना है। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को इधर पुट कर दें, इस वैल्यू को अगर इधर पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा, कर देते हैं पुट, a टू डी पावर 6 प्लस b टू डी पावर 6 और माइनस c टू पावर 6 के वैल्यू को पुट करेंगे अगर, तो ये क्या मिलेगा, इधर दिया गया है 2 था, 2 लिख लेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 3a² b² a² + b² ब्रैकेट बंद, इधर क्या नीचे में 3a² b² c² और यहाँ से क्या देख रहे हैं, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a² कैंसिल हो जाएगा, b² से b² कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा हमें माइनस 2a² + b² और इधर क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में मिल रहा है हमें 3c², क्या मिल रहा है हमें 3c² मिल रहा है।
और अगर हम लोग सी स्क्वायर के वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दें, सी स्क्वायर क्या आया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया था, ये क्या हो जाएगा -2 × पहले से यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर तो 3 कैंसिल हो गया था ना, एक मिनट, इधर ये 3 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 3 नहीं होगा, इधर आ जाएगा सी स्क्वायर से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा आंसर -2। देख के बताएं सब समझ में आया, आई होप ये समझ में आया होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू 0 दिया गया था, हम लोगों ने इसे यहाँ पे बनाया, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्यूब किए बोथ साइड, हमें कुछ इक्वेशन ऐसा मिल गया। ऐसा इक्वेशन मिला, क्या किया हम लोगों ने, इसे हम लोगों ने ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 6 माइनस सी टू पावर 6 के फॉर्म में लाया, और यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू को निकाला, और इसे हम लोग वैल्यू को निकालने के बाद इससे दिए गए एक्सप्रेशन में पुट कर दिए, और हमें फिर सॉल्व करने पे वैल्यू मिल गया। वैल्यू क्या है, -2, ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन अगर -2 होता तो इसका आंसर 2 होता, लेकिन ऑप्शन -2 नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, -2 ही होगा। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक अगर हो तो आप देख लें, शायद नहीं होनी चाहिए वैसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन 10 में, द एवरेज ऑफ फोर टर्म्स इज 30, चार टर्म का एवरेज 30 है, ठीक है, तो मतलब चार टर्म है तो 30 30 30 30, कोई दिक्कत, एवरेज होता है ना, सभी बराबर बराबर, सभी का वैल्यू मिलके 30 होना चाहिए डिवाइड करने पे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगा, वो बाकी के तीनों टर्म के सम का 1/3 होगा, तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और ये रहा फोर्थ टर्म, इन तीनों का सम करें कितना आ जाएगा, 90, 90 का कर दे 1/3, ये क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या 30 होगा, आंसर 30, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर, समझ में आया, क्या सिंपल सा क्वेश्चन था, जो दिया गया था वही इसका आंसर था। ओके हाँ, अगर इस क्वेश्चन को आप अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चार नंबर दिए गए हैं, एक को लेंगे एक्स, दूसरे को कुछ, दूसरे कुछ, फिर सबका सम करेंगे, चार से डिवाइड करेंगे, 30 लाएंगे, फिर फर्स्ट टर्म को इस करेंगे, बाकी तीनों का सम करके, क्यों करें ऐसा, सिंपल हम लोग कर सकते हैं ना, हमें यहाँ पे करना क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाना होता है, ना कि इस पे जाना होता है कि हम लोग आंसर कैसे ला रहे हैं, मेथड सही होना चाहिए, जो रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए, और आपका आंसर आना चाहिए, आपने वो आंसर कैसे लाया, आपने हिट एंड ट्रायल से लाया है, वैल्यू पुट करके लाया है, ऑप्शन का यूज किया है, या क्वेश्चन को पूरे अच्छे ढंग से सॉल्व किया है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता, आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं, कितना अधिक क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन 11 क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 330 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबॉइड का हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है और हाइट निकालने को बोला जा रहा है और इसका बेस एरिया दिया गया है, क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है, क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से, क्यूबॉइड जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया, और क्या दिया गया, बेस एरिया, बेस मतलब क्या होता है, ये रहा बेस इसका, ये जो दिख रहा है नीचे वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है, ये इसका बेस हो गया, अगर बेस का एरिया देखिए क्या हो जाएगा, इसका बेस का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ये दिया कितना, ये है 330 और ये कितना है 15 है, पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है हाइट निकालने के लिए, तो लेंथ ब्रेथ इसमें भी है इसमें भी है, हाइट निकालना है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा, करते हैं 330
330 डिवाइड बाय 15, 15 टू जा 30, 30 यानी कि 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। 22 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा समय अगर लग रहा है आपको तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या होता है कि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता है, समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को, तो सॉल्व करने में टाइम लगा देते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिख रहा है, करते हैं सॉल्व। तो ये बिल्कुल बेस्ड होता है बॉर्ड मास पे, आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो मैंने 2 सेशन में सॉल्व किए हैं SSC CSL के क्वेश्चन को, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कम से कम एक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले बैड का यूज करते हैं हम लोग, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, एक होता है सबसे स्मॉल ब्रैकेट, फिर होता है हमारे पास कर्ली ब्रेसेस, एंड नेक्स्ट वन इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले काम करते हैं इसका, फिर इसका, एंड फिर इसका। यहाँ पे हालांकि बैड की बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे इन दोनों को, ये मिल जाएगा 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये मिलेगा 121। 121 में से अगर हम लोग 1 माइनस करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। और 120 में 11 ऐड करें कितना हो जाएगा, 131। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, 131। ओवरली कर सकते हैं आप आसानी से, नंबर भी कुछ बहुत बड़ा नंबर नहीं है, आसानी से ओवरली कर सकते हैं। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अरेंज द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ट्रायंगल के एंगल को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किसमें करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। वेयर द साइड्स आर गिवन, ठीक है, यहाँ पे साइड दिया गया है। एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से दिया जा रहा है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी है 7, ए सी है 8 एंड बी सी है 9। तो क्या पता है आपको, जो सबसे बड़ा साइड होता है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है। तीनों सबसे बड़ा कौन है? 9 है। तो ये एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद 8 है बड़ा, 8 के अपोजिट एंगल बी है, इसके बाद इसका नंबर रहेगा। उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा कौन होगा? एंगल सी होगा, ठीक है। सीक्वेंस क्या बनेगा? हमें असेंडिंग में करना है, सबसे छोटा हो गया सी, उसके बाद आ गया आपका बी और उसके बाद आ गया आपका ए। तो सी बी ए आपका सीक्वेंस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, 13 था ये क्वेश्चन, आई होप इस समय आ रहा होगा आप लोगों को। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 क्या है? ए सर्टेन सम अमाउंट रुपीज दिस इन 2 ईयर एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। ये रहा अमाउंट, ये आपके पास टाइम है, ये रेट है और कंपाउंडेड एनुअली है, ये दिया गया। हमें निकालना कि हमें प्रिंसिपल के वैल्यू को निकालना है। रेट है 6%, 6% का फ्रैक्शन क्या होता है? 6/100 यानी कि 3/50। ये हो गया हमारा रेट, कन्वर्ट हो गया। अब ये 50 जो है 2 साल है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। इस पे काम करेंगे, 2 साल का करना है तो इसका करेंगे 3/5, इसका करेंगे 3/50, ये कितना आ जाएगा? 50 से 0 जाएगा और 5 से 50, ये आ जाएगा 150। इसका करेंगे 350, ये आ जाएगा 150। ये क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। ये क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए आपका इंटरेस्ट। अब निकालना है सेकेंड ईयर के लिए, इसका निकालेंगे 350 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 9 9। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर। यहाँ पे दिया क्या? दिया गया है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? ये जो दोनों आया है आपका, ये जो दोनों आया है, ये क्या है? ये है इंटरेस्ट है,
ये इंटरेस्ट है, और ये था आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा हमें क्या, अमाउंट मिल जाएगा। तो अमाउंट क्या आ जाएगा टोटल? 2500। ये हो गया 300, 309, यानी कि आ जाएगा 2809। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में ये गिवन है 2809 00, यानी कि 1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें? ये कैंसिल होगा 100। निकालना क्या है? निकालना है हमें सम का वैल्यू। सम यानी कि सम क्या था? सम था ये हमारा 25,000। तो 25,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25,000 को, 2500 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 2500 00 00, यानी कि 250,000। 250,000 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। रेट जो होता है उसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू मिलता है उसका हम लोग पावर लगाते हैं, जितना ईयर हमें दिया गया होता है। यहाँ पे 2 ईयर टाइम दिया गया था, क्या करेंगे हम लोग? जो 50 वैल्यू है, इस 50 वैल्यू पे हम लोग पावर 2 लगा देंगे, ये क्या हो जाए? 2500 हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे रेट्स जो था फ्रैक्शन उससे हम लोग यहाँ पे किए, दोनों साल का निकाले, अमाउंट निकाले, उससे जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया गया उससे कंपेयर किए, हमें एक का वैल्यू इतना मिला, एक का मिला 100, तो 2500 करेंगे कहाँ, तो 2500 पे 20 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्या करना है इसमें, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या दिया गया है। वैल्यू ऑफ दिस ये है, अच्छा हमें इस पूरे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉसेक है, कॉसेक है, कॉट है, प्लस वन इधर प्लस वन है, बीच में माइनस है। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों को पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं क्या मिलता है हमें। पूरे एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कॉसेक इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए इंटू कॉट ए, ठीक है, प्लस कॉसेक ए। कॉसेक ए से मल्टीप्लाई कर लिए, अब कॉट से करना है, प्लस कॉसेक ए इंटू कॉट ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट ए। अब वन से करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और प्लस वन। आगे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या देखने को मिल रहा है हमें? ये कॉसेक ए इंटू कॉट ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा? ये रहा कॉट ए और ये रहा कॉट ए माइनस कॉट ए, कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा? ये रहा कॉसेक ए, यहां भी था और यहां भी है, दोनों प्लस में, हालांकि है यहाँ पे ये मिसिंग था, ये हम लोग लिखा नहीं यहाँ पे, ये -2 कॉसेक ए। तो इससे क्या हो जाएगा? ये रहा 1 कॉसेक, ये रहा 2 कॉसेक और ये 2 कॉसेक कैंसिल। तो क्या मिलेगा हमारे पास? ये मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए और ये रहा माइनस कॉट स्क्वायर ए और ये रहा 1 प्लस 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? ये होता है 1। इतना का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और ये रहा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 2। कैसे होता है देख लेते हैं यहाँ पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये इधर आ जाएगा, बचेगा 1। तो ये रहा हमारे पास वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन 15। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 के बाद, क्वेश्चन 16। इफ नहीं लिखा, ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए टास्क इन 24 डेज, 16 डे एंड 32 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 6 डेज एंड लेफ्ट। 6 दिन काम किया ए और सी ने, फिर काम को छोड़ दिया। देन नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड बाई बी टू कंप्लीट इवेंट, जो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे ए बी सी, ए करता है 24 दिन में, बी करता है 16 दिन में और सी करता है 32 दिन में। हमें यहाँ पे देना होगा एक टोटल वर्क, कुछ ऐसा है जिसे तीनों का तीनों डिवाइड हो जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डिवाइड कब होगा? जब तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? ये आ जाएगा 480।
AD, 24 2 16 3 32 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 15. ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना था हमें, ए और सी जो था वो 6 दिन तक काम किया। ए और सी, इसका इनका एफिशिएंसी क्या, ए का है 20 20 और सी का कितना है, सी का है 15 प्लस 15, इन दोनों मिले कितने काम किया, 6 दिन काम किया, कितना हो जाएगा 20 10 30 35, 35 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 30 और 6 3 18, 180 और 30 210, यानी कि इतना काम कंप्लीट हो चुका है। ये काम क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 480 माइनस 210, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 270। इसे कंप्लीट कौन करेगा, इसे कंप्लीट करेगा अब बी करेगा, बी कंप्लीट करेगा तो इसे कितना समय लगेगा, 270 बाई 30, यानी कि 3 9 या 27, 9 डेज का से समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, ये समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। ए बी सी तीनों का टाइम दिया गया था और फिर ये बोला गया कि ए सी जो है वो 6 दिन में काम को कंप्लीट करता है, सॉरी 6 दिन तक काम करके काम छोड़ देता है, बाकी बचे हुए काम को बी कंप्लीट करता है। ए बी सी के हम लोगों ने इफिशेंसी को निकाला, टोटल वर्क लेट किया, और फिर हम लोगों ने क्या किया, ए और सी के इफिशेंसी को सम करके 6 दिन काम करवाया उससे, उसने 210 काम कंप्लीट किया, बाकी जो बचे हुए काम थे 270 वर्क, इसे कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा। यहाँ पे इफिशियंसी दिया गया है, आपको पता है वर्क बाई इफिशियंसी क्या होता है, ये होता है हमारा टाइम होता है, तो हम लोगों ने इसका यूज किया और यहाँ पे निकाल लिया कितना आ गया, 9 डेज। इट इज क्लियर नाउ। ओके नेक्स्ट, ओके लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 में क्या दिया गया, अमित ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 9 आवर। अमित डिस्टेंस ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर 9 घंटे में। ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट, कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल किया फुट पे पैदल, 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, एंड पार्टली बाय बाइसाइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर, और कुछ ट्रेवल किया बाइसाइकिल से जिसका स्पीड क्या था, 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द बाइसाइकिल इज, कितना डिस्टेंस वो बाइसाइकिल से ट्रेवल किया, ये हमें निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये रहा 50 किलोमीटर। इससे दो तरह से जाता है, एक जाता है ऑन फुट और दूसरा जाता है ऑन बाइसाइकिल। ठीक है, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना बाइसाइकिल का, तो बाइसाइकिल कलेक्ट करते हैं, एक्स जाता है तो फुट पे कितना जाएगा, ये जाएगा 50 माइनस x जाएगा। ठीक है, और दोनों का स्पीड दिया गया है, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो निकालते हैं हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, टाइम का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस बाई स्पीड के टर्म में लिखेंगे। डिस्टेंस पहले कितना था फुट के साथ, फुट पे कितना गया, ये गया 50 माइनस x गया। स्पीड क्या था इसका, 5 था, फिर बाईसाइकिल से गया, एक्स डिस्टेंस से गया, कितने स्पीड से, 10 के स्पीड से, टाइम कितना लगा, दोनों को मिला करके 9 घंटे का समय लगा। सॉल्व करते हैं, इसे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10 10, ये हो जाएगा 90, खत्म कहानी। ये कितना है, -2x है, और ये x, ये हो जाएगा -x, 90, और ये हो जाएगा 100, 90 में से 100 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -10, -x इक्वल टू -10, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 10, यानी कि ये बाइसाइकल से कितना किलोमीटर जाएगा, ये जाएगा 10 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन 18 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ कुछ दिए गए हैं सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, sin 22 है, 90 माइनस 22 करेंगे या 68 आ जाएगा, cos बनेगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cot 75 है, tan 15 है, ये कैंसिल हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू होता है 1 होता है, tan 20
और 1070 ये 1 हो जाएगा, 1040 ये हो जाएगा 1, तो क्या मिलेगा हमारे पास, इधर मिलेगा 2, इधर मिल जाएगा 2/5, इधर क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा 8 × 1, 8/5, 8/5, इधर अगर 5 कर दें तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, 8 × 2 = 10, 10 10, ये कहानी खत्म, इसका ये आ गया 0, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 0। होप इट इज क्लियर, समझ में आया होगा ये चलता जो कैसे है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। जैसे कि यहां दिया गया था साइन 22, यहां दिया गया था साइन 22/cos 68, इधर 2 भी था, ठीक है, सॉल्व करेंगे यहां पे तो क्या, साइन 90 माइनस 68 ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इधर क्या है, cos 68 है, क्या अब हम लोगों देखा अभी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा cos 68/cos 68, और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सेम एज हम लोगों ने यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी किया, और हमें ये मिलते चला गया, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 चीज। और भी लेसन होते हैं जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 18 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, ए ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अनदर ट्रेन वाई। एक ट्रेन है एक्स जो कि दूसरे ट्रेन वाई को ओवरटेक करता है, और वाई का लेंथ दिया गया कितना, 225 मीटर लॉन्ग है, एंड कंप्लीटली पासेस इट इन 72 सेकेंड। एक्स जो है वो वाई को 72 सेकेंड में कंप्लीटली पास कर जाता है। इफ द ट्रेन हैड बीइंग गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अगर ट्रेन जाता अपवर्ड डायरेक्शन में, दे वुड हैव पास्ड ईच अदर 18 सेकेंड, तो 18 सेकेंड में पास कर जाता। लेंथ ऑफ एक्स एंड स्पीड ऑफ वाई हमें ये निकालना है, एक्स का स्पीड निकालना है, सॉरी एक्स का लेंथ निकालना है मीटर में, और वाई का स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो समझते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला कंडीशन ये जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड कंडीशन जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि ट्रेन एक्स जो है वो वाई को ओवरटेक करता है, दोनों जा रहा होगा मैं सेम डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है, तभी ओवरटेक कर पाएगा। इसका स्पीड 60 है एक्स का, ऑब्वियस है कि वाई का स्पीड कुछ कम रहा होगा, बात की बात है, ओवरटेक कर रहा मतलब कम रहा होगा तभी ओवरटेक कर पाएगा, ठीक है। वाई का जो है ये लेंथ दिया हुआ है 225, ठीक है, और 72 सेकंड में ये पास कर जाता है, यानी कि अगर हम लिखे इसे कैसे ले सकते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ एक्स, इधर लिखते हैं लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई कितना है, 225 डिवाइड बाई, ये डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है, 72 सेकेंड है, 72 सेकेंड है, ठीक है। और इधर क्या दिया गया है, इसका स्पीड, स्पीड क्या लेंगे, जब ओवरटेक किया जाता है, ओवरटेक में क्या होता है, दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं, तो एक्स का स्पीड जो होगा उसमें से वाई की स्पीड को माइनस कर देंगे, ओवरटेक में ही होता है, ओवरटेक कर रहा है, इसका मतलब जो स्पीड एक्स का रहा होगा वो कुछ ज्यादा रहा होगा, कितना ज्यादा था, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एस एक्स क्या दिया गया है, एस एक्स है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट करना होगा हमें किसमें, मीटर पर सेकंड में, कैसे करेंगे, इसे हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एस वाई, ठीक है। इसे देखिए तो ये हो जाएगा 6 10 जा, ये हो जाएगा 6 3 जा, 50/3 आ गया ये, ठीक है। अगर बात करें सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया है, दोनों जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और ये 18 सेकंड में पास कर जाते, इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई डिवाइड बाय टाइम कितना है, 18 सेकंड, और जब दोनों जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं तो स्पीड क्या होता है, स्पीड दोनों का सम हो जाता है। स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। यानी कि पहले का स्पीड क्या था, पहले का स्पीड था 60 × 5/18 और दूसरे का स्पीड क्या था, एस वाई, स्पीड ऑफ वाई, स्पीड ऑफ वाई। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल रहा है, एक इक्वेशन ये मिला, दूसरा इक्वेशन ये मिला, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस वाई निकालना है और एल एक्स निकालना, लेंथ ऑफ एक्स एंड स्पीड ऑफ वाई निकालना है। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो अगर दोनों को ऐड कर दें, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ये एस वाई कैंसिल हो जाएगा, कर देते हैं ऐड। जब दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, इन दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, एस वाई कैंसिल, इधर से ये मिलेगा एल एक्स 22 × 5/72/18 है, तो करते हैं दोनों को ऐड, ये हो जाएगा एल एक्स प्लस 225/72 प्लस एल एक्स प्लस 225/18 इक्वल टू में क्या मिलेगा, इक्वल टू में मिलेगा हमें 50/3 और 50/3, ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, 10 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3 आ जाएगा, 50/50 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3। और देखिए तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कर लेते हैं 3 6 18 324 72, क्लियर इतना। अगर यहाँ पे हम लोग ऐड करें, यहाँ पे 6 है, चाहे तो 6 कॉमन निकलते भेज सकते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 हो जाएगा, ऊपर भी 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 4 से इधर मल्टीप्लाई और 4 से इधर मल्टीप्लाई, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा कुछ ऐसा एल एक्स प्लस 225 प्लस 4 LX प्लस, इसे 4 से मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, 4 × 2 = 8 और 100, ये मिलेगा 900। नीचे में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा और 24 से जाके मल्टीप्लाई 2400, 4 LX और 5 LX, ये हो जाएगा 5 LX, 900, 200, 1100, 2125, 2400 में से 1100 जाएगा, ये बचेगा 1300, और 1300 में से 25 जाएगा, ये बचेगा 1275। तो LX का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1275 को 5 से बड़े कितना आ जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा, 255 मीटर। तो LX का वैल्यू क्या आ गया, लेंथ ऑफ x, लेंथ ऑफ ट्रेन x, ट्रेन था ना, हाँ ट्रेन था, 255 मीटर आ गया। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, हाँ दो ऑप्शन दिख रहा है, अगर एक ऑप्शन दिखता तो हम यहीं पे सीधे मार्क करके आगे बढ़ जाते, हमें स्पीड निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसा है तो स्पीड निकालना पड़ेगा। एलेक्स का निकल गया, क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एलेक्स का, और हमें एस वाई का वैल्यू मिल जाएगा। करते हैं इक्वेशन टू में पुट, इसमें पुट करते हैं, 255 + 225 कितना हो जाएगा, 55 × 5 = 60 280 480 480 / 18 क्या जाएगा, ये 480 / 18, इधर क्या है, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 6530, ये है 300 / 18 इक्वल टू एस वाई, 480 300 में से कितना मिलेगा, ये मिलेगा 180 180 / 18, यानी कि ये आ जाएगा 10 आ गया। क्या ऑप्शन है, नहीं है, यहाँ पे हमें निकालना था स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ये जो आया है ये किसमें आया, मीटर पर सेकंड में आया है, तो कर लेते हैं हम लोग सॉल्व इसे, 10 आया है, 10 को कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10, 18 को 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन किसमें है, ये रहा, मैच करके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा आंसर। थोड़ा सा स्पेस का इशू था यहाँ पे, तो मुझे ओपन से सॉल्व करना पड़ा, आई थिंक आप लोग इसे समझे होंगे कैसे मैंने सॉल्व किया। दो ट्रेन दिया गया था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, ध्यान समझ लें, दो ट्रेन दिया गया था, एक एक्स एक वाई, एक्स जो है वो वाई को ओवरटेक करता है, वाई का लेंथ दिया गया था, सेंटी टू सेकेंड में दोनों एक दूसरे को पास कर जाता है। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन लिखा, लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई डिवाइड बाई टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड दिया गया था किलोमीटर पर आवर में, इससे हम लोग कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, 5/10 से मल्टीप्लाई करके,
दोनों की स्पीड को हम लोगों ने माइनस किया क्योंकि ये ओवरटेक हो रहा था। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दिया गया था? सेकंड कंडीशन दिया गया था कि दोनों जाता है जब अपोजिट डायरेक्शन में तो ये 18 सेकंड में पास करता है, यानी लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ बाई लेंथ ऑफ वाई डिवाइड बाई टाइम 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड का सम निकाल लिया तो इक्वेशन बना हमारे पास। दोनों में क्या दिक्कत, एक में एस वाई माइनस में था, एक में एस वाई प्लस में था, दोनों को हम लोगों ने ऐड किया, एस वाई से एस वाई कैंसिल हो गया और हमें इक्वेशन बन के आया। हम लोगों ने सॉल्व किया, हमें लेंथ ऑफ एक्स मिल गया। फिर लेंथ ऑफ एक्स को हम लोगों ने किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोगों ने स्पीड ऑफ वाई को फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन 19 था ये। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, व्हेन टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन गिवन एन नंबर्स, जब दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं हर नंबर में से, यहाँ पे एन नंबर्स दिया गया, हर में से दो को माइनस किया जाता है सभी में से, सम ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेंड इज, तो क्या मिलता है हमें, 102 मिलता है। ठीक है, व्हेन फाइव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, जब पांच को माइनस करेंगे तो सम क्या मिलता है, 12 मिलता है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एन नंबर, तो एन नंबर का एवरेज निकालना है। n नंबर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ढेर सारे नंबर दिए होंगे, इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या n है, सभी में से 2 को माइनस किया जाता है, यानी कि ओवरऑल इसमें से 2 को माइनस किए, इसमें से 2 किए, इसमें से 2, सभी में से 2 को माइनस करते हैं, यानी कि ओवरऑल हम लोग कितना माइनस कर रहे हैं, हम लोग माइनस 2n कर रहे हैं। एक में अगर 2 माइनस कर रहे हैं, n में करना है 2n माइनस कर रहे हैं, तब सबट्रैक्ट करने के बाद जो मिलता है वो 102 मिलता है। वो क्या मिलता है, 102 मिलता है। इसका मतलब जो नंबर रहा होगा, जो एक्चुअल नंबर रहा होगा, ओरिजिनल नंबर रहा होगा, वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा 102 प्लस 2n। क्यों, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल रहा 102, पहले क्या रहा होगा, कितना सब्ट किए, 2n सब्ट किए, 2n को इसमें ऐड कर देंगे, ये रहा होगा। सेकंड केस में क्या दिया गया है, जब 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि कितना सब्ट किया गया, n नंबर्स था, यानी कि 5 इन किया गया, कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, यानी कि यहाँ जो एक्चुअल नंबर रहा होगा, यहाँ जो ओरिजिनल नंबर रहा होगा, वो क्या रहा होगा, 12, और 5n को माइनस कर दी, यानी कि 5n को जोड़ देंगे इसमें। यानी कि दोनों कंडीशन को अगर हम लोग साथ साथ देखें, एक्चुअल नंबर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, यानी कि 102 प्लस 2n इक्वल टू 12 प्लस 5n, ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3n, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, यानी कि n का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 30, n का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 30। इतना क्लियर है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर, तो ये n नंबर्स का एवरेज क्या होगा, कैसे निकालेंगे एवरेज हम लोग, हम एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया था, एक्चुअल नंबर क्या था, एक्चुअल नंबर था 12 प्लस 5n, 12 प्लस 5 इंटू n 30, 150 प्लस 12, ये आ जाएगा 162। निकालना एवरेज कितने नंबर्स हैं, 30 नंबर्स हैं, डिवाइड कर देंगे, 3 5 15 3 4 12 5.4 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, इस क्वेश्चन थोड़ा समझना था, समझ के सॉल्व करेंगे तो अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में फंस सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ था नहीं, क्लियर तो ये में लिखा हुआ था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। इफ 5 डिवाइडेड इंटीजर n, इंटीजर n को 5 डिवाइड करता है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिलता है हमें, 2 मिलता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 7n इज डिवाइडेड बाय 5, अगर 7n को डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि n हम लोग कुछ ऐसा लेट करें, ये जो n दिया गया है कुछ ऐसा लेट करें जो कि 5 से डिवाइड होने पे हमें रिमाइंडर 2 मिल जाए। अगर हम लोग लेट कर लें, लेट n इक्वल टू 7, 7 को अगर हम लोग डिवाइड करें 5 से, 5 1 जा 5, रिमाइंडर मिल जाएगा 2। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। हम लोग n को इस ढंग से लेट करेंगे कि जो कंडीशन दिया गया है, जो रिमाइंडर मिल रहा है हमें डिवाइड करने पे, वो हमें मिल जाए। हम लोग लेट कर लिए n इक्वल टू 7। अब इस ये नंबर हम लोग n के वैल्यू को यहाँ यूज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 7 × 7/5, यानी कि 49 को अब करना है डिवाइड 5 से, 7 5 7 9 5 9 45, और ये रिमाइंडर मिलेगा हमें 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 2।
क्लियर। इस तरह से आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप टाइम इस क्वेश्चन में दे बैठेंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 21 के बाद क्वेश्चन 22 क्या दिया है, इधर इधर है, ये डी आई है, टेबल है, और पढ़ते हैं क्या दिया गया। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन द लैक रुपी पर एनम ओवर द गिवन ईयर। यहाँ पे लैक में कंपनी का एक्सपेंडिचर दिया गया है, इधर ईयर है, और ये एक्सपेंडिचर कैसे करता है, कुछ सैलरी पे करता है, कुछ फ्यूल ट्रांसपोर्ट पे, कुछ बोनस देता है, कुछ इंटरेस्ट पे करता है अपने लोन पे, और कुछ टैक्स पे करता है, वो यहाँ दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल आइटम इन 2014 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2018। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 2014 का वो कितना परसेंट है 18 का, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें 2014 का वैल्यू निकालना है टोटल, और 2018 का निकालना है। निकालते हैं 14 कितना हो जाएगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा। करते हैं 284 प्लस 98 कितना हो जाएगा, 382। 32 प्लस ये क्या है, 300 है या 3.00 है, आई थिंक 3.00 है, ये क्लियर दिख नहीं रहा है, आई थिंक 3.00 है। ठीक है, सब में पॉइंट ले लेंगे हम। ये कितना हो जाएगा, कितना आया था, 382 आया था, ये मिल जाएगा 385, ये हो गया 385। उसके बाद 23.4, इसमें अगर ऐड कर दें हम लोग 23 को, 23 ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 408.4, रखते हैं बाद में ऐड करेंगे, और फिर करना हमने 74 ऐड, प्लस कर देंगे इसमें 74, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 482। ये कितना आ गया, 482, और इसमें 0.4 था, यहाँ पे 0.4 लगा देंगे। अब निकालना है 2018 का, ये कितना हो जाएगा, 425। 425 में हमने ऐड करना है 141, 141 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 46, ये हो जाएगा 566। 566 में हमें ऐड करना है 3.9, ऐड कर लेते हैं फिलहाल के लिए 3, बाद में देखा जाएगा, 3 ऐड करते हैं इसमें, ये कितना आ जाएगा, 569। ठीक है, अब इसमें 50 ऐड कर लेना सीधा, 50 ऐड करके कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 619। ठीक है, 619, ध्यान रखना यहाँ पे पॉइंट था और ये पॉइंट था, और इसके बाद ऐड कर लेते हैं हम लोग 108, 108 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 727। ये कितना आ गया, ये आ गया 727। इसमें से हमें 0.6 माइनस करना है और ये हमें ऐड करना है, तो कर लेते हैं हम लोग 727 में से 0.6 को माइनस कर लेते हैं, माइनस 0.6, ये कितना हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ये आ जाएगा 726.4 आ जाएगा माइनस करने पे, और हमें इसमें ऐड करना है 0.96, 0.96 को इसमें ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 9 4 13, 617 27, तो 727, 727.36। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों का परसेंटेज, यानी कि ये निकालना है, और ये वैल्यू जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आई मीन जो ऑप्शन भी दिया गया है वो भी पॉइंट में है, तो हमें किस निकालना होगा, करते हैं सॉल्व, इसे कैंसिल करते हैं, किससे करते हैं, इसे हम लोग करते हैं 4 से करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, अगर करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 8 जा 2, 4 1 जा 4, 4 8 जा, 4 4 जा, ठीक है, 12 आ रहा इधर, इसे कर दे, इसे कर देते हैं हम लोग 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 603 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 909, और ये 2। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट था, एक पॉइंट चला गया, इधर 1 0 आ जाएगा, अब ये कैंसिल, 6 से 6 नहीं हो पाएगा, तो अगर देखें यहाँ से 6 15 से कैंसिल कर सकते हैं, 15 6 90 होता है, 15 3 जा 45, अप्रॉक्सीमेट हम लोग इसे 6 से कर सकते हैं, 15 से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1000 बाई 15, और डिवाइड करेंगे
तो 5 3 जा 5 2 जा 200/3 आएगा, यानी कि 66.66 के आसपास आ रहा है। हम लोगों ने इसे अप्रोक्सीमेट लिया था, तो ये आप ऑप्शन 1 मार्क कर सकते हैं, 66.32। ये होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन 1। ठीक है, कैलकुलेट था क्वेश्चन, पूरे को ऐड करना था 2 ईयर के और फिर का सम करके उसे परसेंटेज निकाला था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान से करेंगे मिस्टेक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया गया, द फॉलोइंग टेबल शो द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन करोड़ ऑफ गिवन 4 ईयर। ये ईयर दिया गया इधर, और ये रहा इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पूछा क्या जा रहा है, एवरेज ट्रेड बैलेंस इन करोड़। अच्छा, तो ट्रेड बैलेंस, इस टर्म से आपको डरना नहीं है, ट्रेड बैलेंस पूछा जा रहा है। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, ट्रेड बैलेंस सिंपल सी बात है, आपने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, दोनों का डिफरेंस। देखते हैं कितना है? अगर 16 की बात करें, इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 5, इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 5, इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10, इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 12। पूछा गया एवरेज पूछा गया, 5 5 10 20 32/4, यानी कि 8। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 24। द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन लैक बाय 6 कंपनीज ऑफ 5 मंथ जनवरी टू मई। ठीक है, 6 कंपनी है, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा था मंथ दिया गया है, इसमें इसका प्रोडक्शन दिया गया है लैक टन में। ठीक है, इन विच मंथ डज कंपनी टू हैव ए कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20% इन द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। कंपनी टू का बात हो रहा है यहाँ पे, इधर कंपनी टू का 20%, अप्रोक्सीमेटली 20% किस मंथ में है, तो पहले क्या करना होगा, हमें कंपनी टू का निकालना होगा टोटल। ऐड करते हैं 9 6 15, सॉरी किधर गया, एक मिनट, ये रहा 9 7 16, ये हो गया 6, कैरी हो जाएगा 1 7 1 8 8 16, 16 16 22 26, और 2 28 28 5 33, 1 2 3 4 5, 5 3 8, 8 36 आ गया कंपनी टू का, और ये पूछ रहा है इसका 20%, ये कितना हो जाएगा, 8 36 का 1/5, 5 1 5 6 30, और ये कितना आ गया 7 35 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये किसके अप्रोक्सीमेट है, तो ये रहा आपका 167, किस मंथ है, अप्रैल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल, अच्छा ये लास्ट 24 25 सेम टेबल है, और क्या दिया गया पूछा जा रहा है, देयर ए कंटिन्यूअस डिक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर द मंथ इज, किस मंथ में कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, सॉरी किस कंपनी में कंटिन्यूअस डिक्रीज देखने को मिल रहा है। देखते हैं कंपनी ऑप्शन है यहाँ पे, कंपनी 1 का चेक करते हैं पहले, 1 में क्या 27 था, 26 कम हो गया, 20 कम हो गया, 18 कम हो गया, ऑफ कंपनी ए में हो रहा है, कंपनी 1 में हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी को आप चेक करना चाहे कर सकते हैं, 3 में देखें तो 3 में 85 था, 87 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, नहीं है ये इंक्रीज हो रहा है, कैंसल। 2 में देख लें, 80 था, 79 60 67 यहाँ पे नहीं हो रहा, कैंसल। 4 में देख लें, 4 में ये हो रहा है 37, यहीं पे कैंसिल हो गया, ये तो इसी जगह ये कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर इसका। तो ऑप्शन कंपनी ए का जो, कंपनी 1 का जो है, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 25। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, देख ले आप लोग। यहाँ पे हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इससे पहले हम लोगों ने CHSL के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन, 18 मार्च फर्स्ट शिफ्ट और 19 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को, और आज हम लोगों ने यहाँ सॉल्व किया SSC CGL 9 मार्च 2020 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना
फीडबैक दें कैसा लगा आपको ये सेशन, कोई प्रॉब्लम हो तो ये पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें क्योंकि आगे आपको इस चैनल पे और चीज़ करने मिलने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।